यस बेटा, एट क्लास। कल हमने किया था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर कैन बी डिवाइडेड टू फाइंड परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ द कोसेंट। क्या कह रहे हैं ये? स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या ऐसी बतानी है जिससे अगर डिवाइड किया जाए तो जो कोसेंट है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसमें से देखिए, हम कोई भी ले लेते हैं, एक 1552। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। 2 7 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 8 जा। हम इसके क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा। फिर 3 पर देखते हैं, 8 27 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। तो क्या फैक्टर बनते हैं हमारे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15,552। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो हमारा 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3। तो देखिए, हमारा कितने 3 के ट्रिपलेट देखना है हमने, कितना कंप्लीट हो रहा है। ये हमारा कंप्लीट होगा। जो बच गए, जो ट्रिपलेट नहीं बनता, जिनके 3 के ग्रुप नहीं बनते, तो कितना बच गया हमारा? 9। तब हम यहाँ पर लिखेंगे, 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 15,552 बी डिवाइडेड, देन इट विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब। अब हम देख भी सकते हैं इसका कोसेंट। इसको 9 से डिवाइड करें, 15,552 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 6 9 7 जा 63, 2 बच जाएगा, 5 9 2 जा 18, 7 बच जाएगा 72 और 9 8 जा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1782। तो ये हमारा कोसेंट आ जाता है और ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। किसका? क्यूब ऑफ, अब लिख सकते हैं हम, क्यूब ऑफ इज इक्वल टू, इसको हटा देंगे, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। हम अब टेबल से देखें तो 12 का क्यूब, हमारा क्यूब रूट क्या है ये देखिए। तीन बार कर सकते हैं हम इसको मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 1728 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 सम है, सभी बच्चे इसको करेंगे और अपनी कॉपियां भी चेक टाइम टू टाइम करवाते रहें। काम को साथ साथ एक्सरसाइज 4.2 के 5 सम हो गए हैं। 6th क्वेश्चन आप करने से पहले एक बार आप अपने टेबल को जरूर देखेंगे। यहाँ पर है ना एस्टिमेटिंग क्यूब रूट टेबल, इस टेबल को देखेंगे। उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे। यूजिंग द टेबल एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 5। टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5 वी लुक फॉर 5 इन द फर्स्ट कॉलम अंडर एक्स एंड देन मूव हॉरिजॉन्टली टू नेक्स्ट कॉलम क्यूब रूट 3। तो देखिए, एक्स क्या है हमारा? 5 है। तो 5 का क्या हो जाएगा हमारा? क्यूब रूट ऑफ 5। तो क्या हो गया? 1.710। यहाँ से आप देख सकते हो टेबल से। आगे है हमारा 50। तो 50 के आप फैक्टर बना करके भी देख सकते हो और वैसे भी देख सकते हो, दोनों तरीके से आप जैसे भी करना चाहें। 50 के फैक्टर हमारे 5 इंटू 10 हो जाएंगे। पहले 5 का देख लेंगे, फिर 10 का देख लेंगे।
और उसके बाद दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, टू डेसिमल फ्रैक्शन तक इसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ देखिए 50 का भी यही आ गया हमारा। आगे आता है दोनों तरीके से 50 को देखा है इन्होंने, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 50 वी टू 5 इन द फर्स्ट कॉलम एक्स एंड देन मूव हॉरिजेंटली टू द क्यूब रूट ऑफ, ये देखिए दोनों तरीके से क्या है हमारा सेम ही आ जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट होती है, आप सिक्स क्वेश्चन को भी इसी तरह से कर लेंगे। क्रैक टू प्लेस वैल्यू तक, क्रैक टू प्लेस वैल्यू तक हमें निकालना है, तो इसको जैसे 260 है तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, 26 × 10 क्योंकि हमें ये टेबल से करना है, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। 26 का देख लें और 10 का देख लें, तो 26 का हमारा क्या है यहाँ पर देखें 2.962 और 10 का हमारा क्या है 2.154, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें और उसके बाद टू डेसिमल तक इसको निकाल देंगे। ये क्वेश्चन कर लें ठीक है, अदरवाइज जब स्कूल खुलेंगे तब मैं पूरी टेबल आपको बना करके फिर समझाऊंगी बेटा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, उसके बाद आप अपनी चैप्टर समरी को ज़रूर लिख लेंगे, अपनी एग्जाम्पल वाली कॉपी में लिखें या फिर नोटबुक में चैप्टर समरी को लिखेंगे, कल इसकी मेंटल एक्टिविटी करेंगे हम। तो ये हमारी एक्सरसाइज का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको पूरा करेंगे बेटा। बाय, ओके।